जय हिंद दोस्तों, आज के आईपीएल की ताज़ा खबर इस प्रकार है। इंडियन प्रीमियर लीग के रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 14 रन से हरा दिया। अर्जुन तेंदुलकर ने 20वें ओवर में 20 रन डिफेंड किए। उन्होंने आखिरी ओवर में भुवनेश्वर कुमार को कैच आउट कराकर अपने आईपीएल करियर का पहला विकेट लिया। कैमरन गेल ने 19वें ओवर में ही 4 रन दिए। उन्होंने पहली पारी में 64 रन की नॉकआउट पारी भी खेली। हैदराबाद के लिए राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी मुंबई ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद ने 19.5 ओवर में 173 रन ही बना सकी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुंबई की पारी टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी मुंबई को रोहित शर्मा और ईशान किशन ने तेज शुरुआत दिलाई। दोनों ने 4.4 ओवर्स में 40 रन जोड़े। रोहित 28 रन बनाकर थंगा शुरू नटराज जम का शिकार हुए। टीम ने फिर 6 ओवर में 1 विकेट पर 53 रन बनाए। मुंबई इंडियंस के ओवर ने कैमरन ग्रीन ने 33 बॉल में अपनी ड्यूटी पूरी की। आईपीएल के डेब्यू सीजन में ग्रीन का यह पहला ही अर्धशतक है। वहाँ 5वें ओवर में रोहित शर्मा का विकेट गिरने के बाद क्रीज पर आए थे। ग्रीन 64 के स्कोर पर नॉट आउट रहे। मुंबई ने कैमरन ग्रीन ने 50 लगाई। उन्होंने आखिरी तक बैटिंग कर टीम का स्कोर 190 के पार पहुँचाया। हैदराबाद ने उमरान मलिक को बाहर किया। वहीं मुंबई ने ड्वेन एंडरसन को की जगह जेसन वरांडो को शामिल किया। अर्जुन तेंदुलकर लगातार दूसरे मैच में खेले। मुंबई के से ग्रीन के अलावा ईशान किशन ने 38, तिलक वर्मा ने 37, रोहित शर्मा ने 28, टीम डेविड ने 16, शुभम यादव ने 7 रन बनाए। एसआरएस में से मार्को एंडरसन ने 2, भुवनेश्वर कुमार थंगारसु नटराजन ने 1 विकेट मिला। एक बैटर रन आउट हुआ। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने आईपीएल में 6000 रन पूरे किए। उन्हें तीसरे ओवर को दूसरी बॉल पर चौका लगाने के साथ ही कारनामा किया। रोहित से पहले विराट कोहली, शिखर धवन और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर की कलसा कर चुके हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हैदराबाद की पारी 193 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत खराब रही। टीम ने दूसरे ही ओवर में हैरी ब्रुक का विकेट गंवा दिए। चौथे ओवर में राहुल त्रिपाठी भी आउट हो गए। टीम ने पावर प्ले के 6 ओवर में 2 विकेट पर 42 रन बनाए। टारगेट का पीछा करने उतरी हैदराबाद से मयंक अग्रवाल 48 और हनवी क्लासिन 36 रन बना के आउट हुए। दोनों ने एक समय टीम को जीत की उम्मीद दी थी। उनके अलावा एलन मार्कलम 22, अभिषेक शर्मा 1 रन, हैरी ब्रुक 9, अब्दुल समद 9, मार्को एंडरसन 13, वासुदेव सिंधव 10, भुवनेश्वर कुमार 2, राहुल त्रिपाठी 7 रन बनाकर आउट हुए। मयंक मार्कंडे 2 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मयंक अग्रवाल और हनवी क्लासिन लगातार ओवर में आउट हो गए। क्लासिन 14वें ओवर में, पीयूष चावला और मयंक ने 15 ओवर में रायली मेलेडिथ को शिकार हुआ। दोनों के आउट होने के बाद हैदराबाद बैकफुट पर चले गए। सनराइजर्स हैदराबाद को आखिरी दो ओवर में 24 रन की जरूरत थी। अब्दुल समद और भुवनेश्वर कुमार क्रीज पर थे। 19वें ओवर में कैमरन ग्रीन ने 4 रन दिए, जिस कारण 20वें ओवर में अर्जुन तेंदुलकर के पास डिफेंड करने को 20 रन मिले। उन्होंने आखिरी ओवर में 5 रन दिए और 1 विकेट भी लिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।